अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन अरोमा। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल सांभर। ये सांभर आप इडली, डोसा, उत्तपम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ इंडियन स्टाइल सांभर बनाना। सांभर बनाने के लिए हमने लिया है तुअर दाल, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं। इसको मैंने धो लिया है और हाफ बाउल तुअर दाल लिया है। आप बाउल थोड़ा डीप लें क्योंकि ये फूलने के बाद डबल हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ बाउल ही पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको आधी घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद आप देखेंगे ये दाल फूल करके डबल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने दाल में पानी डाल करके रख दिया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए एक साइड रख दूँगी ताकि ये दाल फूल करके डबल हो जाएगी। तब तक चलिए हम अपना सांभर का दूसरा काम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सब्जियों से। मैंने यहाँ पर लिया है पम्पकिन, लौकी, गाजर, टमाटर और प्याज। आप इसमें ड्रम स्टिक, भिंडी, पीस और भी सब्जियाँ ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे कलरफुल सब्जियाँ लें क्योंकि ये कलरफुल सब्जियाँ सांभर में बहुत अच्छी लगती हैं। आप यहाँ पे सब्जियों की क्वांटिटी देख लें। यहाँ पे मैंने लौकी ज़्यादा ली है क्योंकि लौकी बिना सांभर तो बनता ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा कोहड़ा लिया है और एक गाजर, एक टमाटर और एक मीडियम साइज़ की अनियन लिया है। इन सब को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। लौकी और पम्पकिन इसको थोड़ा बड़ा क्यूब बनाएं, और गाजर, टमाटर और प्याज इसको फाइनली चॉप करें। अब हम एक कुकर में डालेंगे ऑयल। यहाँ पर हम सरसों, रिफाइंड या ऑलिव ऑयल कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। इसको हम थोड़ा हीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, जो हमने चॉप किया हुआ रखा था। अनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, इसको बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, इसका पिंक कलर आ जाए, बस इतना ही। यहाँ पे आपको एक डीप और थिक बेस वाला यूटेंसिल लेना है ताकि उसमें हमारा सांभर अच्छे से बन सके। अनियन, ये देखिए यहाँ पे अनियन पिंक हो गई है, हमको बस इतना ही अनियन को पकाना है। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना, जितना अनियन पकाया है उतने ही टमाटर को भी बनाना है। अब हम इसमें डाल देंगे एक स्मॉल साइज़ टमाटर, और टमाटर को कंटिन्यूअस स्टिर करते हुए पकाना है। ये देखिए हमारा टमाटर पक गया है, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए टमाटर स्टर करते हुए हमारी प्याज भी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सारी सब्जियां और इसको भी 2 मिनट तक कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाएंगे। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है सब्जियों को। ये देखिए हमारी सब्ज़ी थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो तुअर दाल जो हमने भिगाई थी वो। ये देखिए हमारी दाल फूल के डबल साइज़ हो गई है। हमने हाफ बाउल दाल ली थी जो कि 1 बाउल हो गई है। अब हम इसमें 2 बाउल पानी डालेंगे, 1 बाउल दाल में 2 बाउल पानी, ठीक है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। और यहाँ पे आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, सांभर को सीटी पे लगाने से पहले उसके विसल में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। उसका जो विसल का पॉइंट होता है, होल होता है, उसमें ऑयल अच्छे से चला जाए। ऐसे हम डाल के थोड़ा हिलाएंगे और हम अपने सांभर में भी थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। इससे ये होगा कि सीटी आते वक्त आपका जो सांभर बाहर निकल करके फैल जाता है, दाल फैल जाती है कुकर पे, वो नहीं होगा। अब हम हाई फ्लेम पे 5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। देखिए 4, और ये हो गई 5 सीटी। अब हम गैस फ्लेम को मीडियम करके 15 मिनट पकाएंगे और उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर दें।
कुकर का प्रेशर पूरा ख़त्म होने के बाद हम लिड खोलेंगे और हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने तक पकाएंगे। बॉईल आने के बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें 2.5 स्पून सांभर मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट कंपनी का सांभर मसाला यूज़ किया है। मैंने बहुत सारे कंपनी का मसाला यूज़ किया है, वो सबसे सांभर अच्छा बनता है, पर रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर तो सिर्फ एवरेस्ट मसाले से बनता है, तो आप इसमें एवरेस्ट का सांभर मसाला ज़रूर डालें। इसको एक बार टेस्ट कर लें। इसमें नमक थोड़ा कम था तो मैंने इसमें नमक डाला है, और अब हम डालेंगे इसमें गुड़ और इमली। गुड़ और इमली के बिना सांभर इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसका खट्टा मीठा टेस्ट इसी से आता है। यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून गुड़ और 3 टेबल स्पून इमली। आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल दें, और इमली की जगह आप नींबू या अमचूर यूज़ कर सकते हैं। बस अब हमारा सांभर तैयार है, इसको मैंने सर्व कर लिया है, और आप इसमें राई, हींग, करी पत्ता और मिर्ची का तड़का बना के इसको ऊपर से डाल लें। तो ये तैयार है हमारा साउथ इंडियन स्टाइल सांभर। इसको आप इडली, डोसे, उत्पम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये और टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।